नमस्कार, मैं पूनम सागर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पलवल जिले के रायदासका गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सोनू चौहान जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये जनता की किन किन समस्याओं को लेकर उनके बीच जाएंगे एवं उनका निवारण करेंगे। मैं सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूँ। मैं सोनू चौहान रायदासका गाँव का स्थायी निवासी हूँ और यहीं से अपनी स्कूलिंग करी है गाँव से और यहीं पले बड़े हैं, तो अपने आसपास की समस्याओं को देखा भी है और झेला भी है। हमने भी वो देखे हैं कि जब हमारे रास्तों में कीचड़ें हुई रहती थी पेयजल के लिए, आज भी हमारा गांव पूरा मंदिर से पानी भर भर के लाता है और पानी की कहीं कोई निकासी नहीं है। बारात घर नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। आज गांव का स्कूल आज भी 8वीं कक्षा तक का ही है। स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी है और अवैध कब्जों की तो आप बात ही मत करो, सारी की सारी ज़मीनें भी घिरी हुई हैं, पोखर तक लोगों ने नहीं छोड़ी हैं। तो हमारे यही मुद्दे रहेंगे कि गांव में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, नए नए बच्चों को उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए रेसिंग ट्रैक बनाया जाए, बच्चों के लिए जिम बनाया जाए, बुजुर्गों के लिए पार्क बनाए जाएं, महिलाओं के लिए अलग से कुछ पार्क वार्क बनाया जाए, उनको समाज के हाशिए पर लेकर आया जाए, उनको भी डिसीजन जो भी निर्णय होंगे उनमें शामिल करा जाए। ये कुछ हमारे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हम अपने पूरे गांव में सीसीटीवी का प्रबंध करवाएंगे और दूसरा जितनी भी पढ़ी लिखी महिला हैं उनको सारे के सारे पंचायत के निर्णयों में शामिल करेंगे। उनके लिए उनके प्रशिक्षण के लिए सिलाई सेंटर वगैरह का इंतजाम करवाएंगे जिससे वो अपने आत्मनिर्भर हो सकें और अपना गुजारा खुद से कर सकें। वर्तमान सरपंच के कार्यकाल को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं इस राजनीति तो मैं नहीं कहूँगा, मैं जनसेवा के भाव से इसमें आया हूँ, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। जो उसने जो भी काम करें अपनी समझ के अकॉर्ड अपने के अनुसार उसका निर्णय पब्लिक लेगी, जनता जनार्दन लेगी, तो वही उसके बारे में सही से बता पाएंगे कि उसने सही किया कि नहीं किया। पर गाँव में समस्या है ये मैं बात जरूर रखूँ। विपक्ष का कहना है कि सोनू चौहान राजनीति करते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर लोगों से संपर्क बनाना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। जनसेवा राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। मेरा काम लोगों से संपर्क बनाना, उनकी समस्याएं दूर करना, उनकी बातें सुनना, यही है। तो ये राजनीति है तो हाँ, शायद मैं राजनीति करता हूँ। बीजेपी सरकार के 600 दिन पूरे हो गए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक अगर आप व्यापारी वर्ग के लिए देखो तो उनके लिए तो अच्छा हुआ, अगर किसान वर्ग के लिए सरकार थोड़ी सी ठीक नहीं रही है, तो उसमें बैकफुट पे चली गई है। किसानों की फसलों के रेट उन्हें ठीक से नहीं मिल पाए हैं, खाद वगैरह के रेट भी बढ़े हैं और अब पेट्रोल डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। कोरोना महामारी में भी पब्लिक को काफ़ी नुकसान हुआ। सरपंच पद के और भी भावी उम्मीदवार हैं, तो सोनू चौहान ही एक बेहतर उम्मीदवार क्यों हैं? इसका जवाब तो जनता को ही देना पड़ेगा कि मैं बेहतर क्यों हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नेक और नीयत दोनों साफ हैं, ये पब्लिक ने देखा भी है और इसी कारण से मुझे उनका स्नेह भी मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं हर एक युवा वर्ग से भी जुड़ा हुआ हूँ, बुजुर्गों से भी जुड़ा हुआ हूँ, महिलाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, सबसे समाज के हर एक वर्ग से मेरा संपर्क है, तो शायद इसीलिए मैं उनसे बेहतर उम्मीदवार हूँ। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चाहे वो रायदास के ग्राम के वासी हों या किसी भी गांव के वासी हों, ऐसा अपना प्रतिनिधि उम्मीदवार ऐसा चुने जो आपके गांव के लिए कुछ कर पाए, उसकी नेक नीयत साफ होनी चाहिए। क्यों, जैसे अब आप देख रहे हो इस बीजेपी सरकार के अंदर सारे के सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो मेरा यही आपसे सबसे अपील रहेगा कि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार लेके आएँ जो सब कुछ जानता हो, कंप्यूटर का प्रयोग भी जानता हो, लोगों से संपर्क बनाना भी जानता हो और अपनी कलम की ताकत भी जानता हो और अपना स्वभाव बदल सकता हो दोनों तरह से, कहीं गर्म होना तो गर्म भी हो सके, नरम होना तो नरम भी हो सके। आप सभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें और किसी भी नगर परिषद वार्ड ग्राम पंचायत से कोई भी शिकायत हो तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, आपकी समस्याओं को सर्वप्रथम रखा जाएगा। धन्यवाद।